नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एवं इंग्लिश सेंटर में। तो आज मैं पढ़ाऊँगी यूज ऑफ ए एन एंड द यानी आर्टिकल का डे 5। तो जिसमें मैं डे 4 तक द बताई थी बहुत सारे रूल्स, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं थोड़ी सी रूल्स बचे हुए हैं उसी को पढ़ाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी। आज का लास्ट क्लास है, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट्स, बीमारियों, पर्वों, रीतियों, सप्ताह के दिनों, महीनों, द्रव पदार्थ, भोजन, खेलकूद, भाषाओं के नाम के पहले समान अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी जब बीमारी का नाम रहेंगे पर्वों, ऋतुओं, सप्ताह के दिनों, महीनों, द्रव पदार्थ, भोजन, खेलकूद के नाम आएंगे तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल यानी ए एन और द, ओके। तो ये सब के नाम के पहले यूज नहीं करेंगे आर्टिकल का। आर्टिकल मतलब ए एन एंड द, तो ए एन द नहीं लगाएंगे इन सब के पहले। तो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कॉलरा हैजा एक खतरनाक बीमारी है, तो यहाँ पे हो जाएंगे कोरला कॉलरा इज ए डेंजरस डिजीज। तो यहाँ पे कॉलरा क्या है, बीमारी का नाम है ना, तो बीमारी के नाम के पहले ए एन या द का यूज नहीं करेंगे। तो कॉलरा के पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएंगे कॉलरा इज ए डेंजरस डिजीज। उसके बाद है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसका हो जाएंगे आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर क्रिकेट क्या है, खेलकूद का नाम है, तो यहाँ पर क्रिकेट के पहले ए एन द का यूज नहीं करेंगे यानी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है जनवरी साल का पहला महीना है, तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर जनवरी क्या है, महीना का नाम, तो महीना का नाम के पहले ए एन द यानी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, उसी तरह से जब कोई फेस्टिवल, होली, दिवाली या फिर ऋतुओं, गर्मी हो गए, बरसात हो गए, उसी तरीके से जब ये सब आएंगे तो उनको पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ए एन द का यूज नहीं करेंगे। तो यूज ऑफ ए एन द हमारा यहीं तक समाप्त होते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी दिस दैट दीज दोज का यूज करना। तो हमारा नेक्स्ट क्लास क्या होंगे, यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आज का लास्ट क्लास यहीं समाप्त होता है। आप जान लेते हैं कुछ वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी के बिना आपके एक सेंटेंस भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे है पवित्र, होली पवित्र, होली गहरा, डीप गहरा, डीप दुर्लभ रेयर, दुर्लभ रेयर, सबसे अच्छी चीज द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज द बेस्ट थिंग, अनुकरणीय इमिटेबल, अनुकरणीय इमिटेबल, समृद्ध रिच, समृद्ध रिच, अंतिम दिन द लास्ट डे, अंतिम दिन द लास्ट डे, पर्व से भरे, फुल ऑफ फेस्टिवल, पर्व से भरे, फुल ऑफ फेस्टिवल्स, जाड़ा विंटर, जाड़ा विंटर, गर्मी समर, गर्मी समर, बरसात रेनी सीजन, बरसात रेनी सीजन, ऋतु सीजन, ऋतु सीजन, कठिनाइयों से भरा, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से भरा, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, दुखदाई पेनफुल, दुखदाई पेनफुल, फिर भी येट, शुरू में इन द बिगनिंग, शुरू में इन द बिगनिंग, महान कलाकृतियाँ द सॉरी ग्रेट आर्टिस्टिक क्रिएशंस, ग्रेट आर्टिस्टिक क्रिएशन, आवश्यक एसेंशियल, आवश्यक एसेंशियल, पढ़े लिखे एजुकेटेड, वर्णन से परे, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वर्णन से परे, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन,
बीमारी डिजीज, बीमारी डिजीज, बेसहारा हेल्पलेस, प्रशंसनीय प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय प्रेजवर्दी, अकलमंद वाइज, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, सुंदरता ब्यूटी, लोकप्रिय पॉपुलर, छोटी पिक, खतरे में इंडेंजर, मानव जाति मैनकाइंड, महंगा डियर, तो यहाँ डिवाइन मतलब महंगा भी होते हैं, याद रखना, महंगा डियर, मानवता के लिए खतरा, ए डेंजर फॉर ह्यूमनिटी। तो ये हमारे कुछ वोकैबुलरी थे, तो आशा है, उम्मीद है कि आप इसे रिमेम्बर कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारा यूज ऑफ ए एन द यानी आर्टिकल इतना ही समाप्त होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दिस दैट दिस टॉर्च, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, फैमिली फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर देना, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।